तो सभी एजेंसियों का बीजेपी के साथ गठबंधन है और जहां जहां चुनाव होते हैं वहीं पर ये एजेंसियां पहुंच जाती हैं केंद्र के इशारे पर। और चूंकि अब यूपी में चुनाव है इसलिए यहां पर पहुंच गई। पहले कुछ कंफ्यूजन हुई, पीयूष जैन के घर पर ये छापेमारी हुई, लेकिन जब उसका कोई कनेक्शन समाजवादी पार्टी से नहीं जुड़ा तो फिर अब ये रेड वहां पर पंपी जैन के ठिकानों पर मारी गई है। ये बीजेपी की खीज है, ये आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब अयोध्या से दिया। अमित शाह ने पूछा कि रेड से समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्यों है। मुझे बताइए, ये सपा बसपा बुआ बबुआ यूपी को आगे ले जा सकते हैं क्या? जोर से बोलो, ले जा सकते हैं क्या? उनके राज में तो ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। इस समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल। आज जब रेडें डल रही है उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। मित्रों, आपको तकलीफ है? ये काले धन वालों के यहां रेड पड़े इसमें आपको तकलीफ है? जरा जोर से बोले, तकलीफ है? मोदी जी ने रेड डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए? भाई अखिलेश, आपको क्या तकलीफ? क्या तकलीफ मित्रों? ये बुआ बबुआ, ये कांग्रेस पार्टी कभी यूपी का विकास नहीं कर सकती। तो अमित शाह पलटवार करते हुए कि दिक्कत क्यों हो रही है समाजवादी पार्टी को अगर ये इनकम टैक्स विभाग वहां पर सक्रिय है और इस तरह से छापेमारी हो रही है और ये काला धन है जो कि बरामद हो रहा है और इससे परेशानी क्यों हो रही है सियासी पार्टियों को। अब कहां कहां ये रेड्स हुई हैं हम आपको वो जगह दिखा रहे हैं। दिल्ली में रेड हुई, मलाड मुंबई में हुई, विले पार्ले, गोरेगांव, अंधेरी, तो ये चार ठिकाने मुंबई के जहां पर ये रेड्स हुई हैं। साथ ही कन्नौज में हुई, पंपी जैन के घर पर, कानपुर में हुई, नोएडा में हुई, हाथरस में हुई। तो ये 50 ठिकानों पर इनकम टैक्स रेड और वो जगह इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर जहां जहां इनकम टैक्स की ओर से ये रेड डाली गई है। तो 50 जगहों पर आईटी विभाग की ये कार्रवाई। 7 बजे कन्नौज में आईटी की कार्रवाई शुरू हुई और अभी तक 8 घंटे लगभग बीत चुके हैं। 7 घंटे इसकी कार्रवाई की शुरुआत हुई थी। आयकर विभाग के छापे पड़े हुए अब लगभग 8 घंटे बीत चुके हैं। 9 गाड़ियों में आए आयकर अफसर और 6 शहरों में आयकर विभाग के ये छापे जारी हैं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।